तुम अपने चैनल को फास्ट ग्रो करने के लिए बड़े क्रिएटर के वीडियो देखते होगे, राइट? एंड तुम्हें वो दिखाते होंगे अपने पिछले 30 दिन का वाइट या स्टूडियो में ले जाकर एनालिटिक्स, और बताते होंगे वहाँ पे कि इस वीडियो से मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, इस वीडियो पे मेरा मिलियंस व्यूज आ गए हैं, और एक ही वीडियो से मेरा 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो गया। यहीं पे आप लोग गलती करते हो उस वीडियो को देखकर और तुरंत सोचने लगते हो कि काश मेरा भी वीडियो पे इतना व्यूज आता, इतना सब्सक्राइबर आता और एक ही वीडियो से मेरा 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो जाता और मेरा चैनल बहुत जल्द ग्रो हो जाता और लाखों अर्निंग करने लगते हम यूट्यूब से। यहीं पे आप मिस्टेक करते हो और वो लोग तुम्हें मिसयूज। तो दोस्त, क्या है सच्चाई, कैसे चैनल ग्रो होता है, आज टॉपिक यही है, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल फास्ट और स्टेप्स ओनली। इस वीडियो में हम तुमको मिलियंस व्यूज का तो सपने नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका चैनल का ग्रोथ 3x, 4x, 5x ज़रूर हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम अपना चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो तुमको कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। यहीं पर कुछ यूट्यूबर करते हैं बहुत बड़ा मिस्टेक। तो अब आप सोच रहे होगे कैसा मिस्टेक, यही कि तुम अपने चैनल पे कुछ भी डाल देते हो। तो तुमको ऐसा नहीं करना है कि तुम अपने चैनल पे कुछ भी डालो, आपको एक कैटेगरी सेट करना है और उस कैटेगरी के हिसाब से आपको वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करना है। अगर आप रेगुलर वीडियो को अपलोड करिएगा कंसिस्टेंसी के साथ तो आपका वीडियो एक बार ज़रूर वायरल होगा, और वो वीडियो आपका वायरल हो गया तो आपको दूसरा काम ये करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड ही वीडियो बनाइए जो वीडियो आपका एक वायरल गया। और दूसरा काम तुम ये भी कर सकते हो कि तुम अपने कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहो और कमेंट्स कैसा आता है उसको ज़रूर रिप्लाई करो। तुम सजेशन भी ले सकते हो अपने व्यूवर से कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा टॉपिक पे लाएं, इससे तुम्हारा कंटेंट इम्प्रूव होगा और तुम ग्रो। हम तुमको वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुम जाओ तुरंत और जाकर DSLR वाई करो और तुम DSLR से अपने वीडियो को शूट करो और अपलोड करो और तुम ग्रो हो जाओगे, ये गलत बात है, ठीक है? आप मोबाइल फ़ोन के बैक कैमरा से भी अच्छा क्वालिटी का वीडियो शूट कर सकते हो। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ये मोबाइल के बैक कैमरा से ही रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही तुमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका वीडियो में ऑडियो क्वालिटी कैसा है, ठीक है? बिकॉज दिस पार्ट ऑडियो क्वालिटी मेन। तुम खुद सोचो अगर मेरा वीडियो में ऑडियो क्वालिटी कुछ ऐसा रहता तो तुम इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख पाते नहीं ना। अगर तुम इस वीडियो को देखते नहीं तो इस वीडियो पर व्यूज नहीं आता, व्यूज नहीं आता तो वॉच टाइम नहीं आता, वॉच टाइम नहीं आता तो इस वीडियो को यूट्यूब दूसरों को सजेस्ट नहीं करता और ये वीडियो फिर वायरल नहीं होता। तो इस स्टेप में आपको ऑडियो क्वालिटी पे मेन फोकस करना है, देन आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं वीडियो को मेन पार्ट पे। तुम्हारा वीडियो एडिटिंग ही तय करेगा कि तुम्हारा वीडियो व्यूवर्स के द्वारा कितना परसेंट देखा जा रहा है। जितना अच्छा तुम्हारा वीडियो एडिटिंग होगा उतना ज़्यादा समय तक लोग तुम्हारा वीडियो को देखेंगे। तो इस स्टेप में तुम्हारा टास्क है इम्प्रूव योर वीडियो एडिटिंग। जिन व्यूवर्स उससे बोर नहीं होंगे तो तुम्हारा चांसेस है वीडियो वायरल और तुम्हारा चैनल होगा ग्रो। अगर तुम मेरे जैसा वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग पे मिल जाएगा और उससे तुम अपना वीडियो का कंटेंट एंड एडिटिंग इम्प्रूव कर पाओगे। और अब हम आ गए हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। तुम एक बात सोचो, तुम बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग किया, बहुत अच्छा तुम्हारा कंटेंट है, बहुत अच्छा तुम्हारा ऑडियो क्वालिटी है, बट तुम्हारा थंबनेल और टाइटल सही नहीं है, जिससे यूट्यूब लोगों को इम्प्रेशन भेजेगा और लोग उसको देखकर इग्नोर मार देंगे। तो आपका सारा मेहनत एक थंबनेल और एक टाइटल पर डिपेंड करता है। जितना बेहतर, जितना अच्छा रखोगे ये दोनों चीज़, उतना ही अच्छा तुम्हारा चैनल का ग्रोथ होगा और तुम बहुत जल्द ग्रो होगे। यही रियलिटी है, यही प्राइवेसी है,
चैनल को ग्रो होने के। बाकी सब आपको यूट्यूब पे वीडियो जितना भी मिलेंगे फेक मिलेंगे। ओके बाय, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।